हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो C++ का है और C++ में प्री इंक्रीमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले सी लैंग्वेज में भी हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड, चूंकि C++ है तो यहां लिखा आयो स्ट्रीम। ठीक है, ये लिख दिया, क्लोज किया। नीचे आएंगे तो यहां पर नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, तो यहां लिखा यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे इसको और यहां पर एसटीडी इस तरह से एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और फिर यहां पर मेन फंक्शन बनाता हूं इंट मेन। ठीक है, और एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। ठीक है, अब यहां पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं और एक वेरिएबल बना ले रहा हूं ए, और ए में असाइन कर रहा हूं 3। ठीक है, और टर्मिनेट करता हूं, एंटर करके नीचे आता हूं। अब यहां पे लिखता हूं सी आउट। आपको याद होगा सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिखा जाता था, यहां लिखा जाता है सी आउट। ठीक है, सी आउट लिख दिया और यहां पे लिख देता हूं वैल्यू, खाली वैल्यू ही लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट इज, इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। मैं खाली वैल्यू लिख देता हूं और वैल्यू लिखने के बाद यहां पर इस तरह से लगा करके और ए लिख देना है, क्योंकि ए ही वेरिएबल हमने लिया है, और टर्मिनेट कर देना है। फिर यहां पर लगाता हूं व्हाइल लूप, यहां पर भी व्हाइल लूप ही यूज कर रहा हूं। आप चाहे तो फॉर लूप या डू व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहां पर प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूं प्लस प्लस ए। ठीक है, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस पहले लगा दिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। ओके, और यहां पर कर देता हूं 10, इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं। अब इसको प्रिंट करवाने की बारी है, तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे जानते हैं C++ में सी आउट लिखा जाता है, तो सी आउट लिख दिया हमने और यहां पर \t। कई बार \t लोगों को समझ में नहीं आती है बात, \n तो समझ में आता है, लेकिन \t टैब लाइक स्पेस देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये टैब लाइक स्पेस दे देगा और आपको यहां पर सिंपली लिख देना है ए। ठीक है, लिख दिया ए, टर्मिनेट किया और यहां पे दे देंगे रिटर्न 0, और ये रिटर्न 0 देकर के टर्मिनेट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और यहां पे फाइल पे जाके और फिर सेव फाइल पे जाइए, और सेव फाइल पे जाने के बाद यहां पर आकर के इसको कोई नेम दे दीजिए। मैं नेम ही नेम दे देता हूं .cpp, C++ के फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो .c मत लगाइएगा, .cpp लगाइएगा। चलिए एंटर करिए, हो गया। अब इसको सबसे पहले कंपाइल करवा लीजिए, एक एरर आ रहा है, सी आउट इज नॉट डिक्लेयर्ड लाइन नंबर 6, ओ यूजिंग नेम स्पेस। यहां पे देखिए ये दोनों के बीच में गैप होगा, ये गैप छूट गया था, कोई बात नहीं, ये लगा लिया हमने और इस तरह से ये बिल्ड पे जाके अब कंपाइल करवाते हैं। अब ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और यहां पर रन पे क्लिक किया हमने, तो ये देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्यों है? इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, ये तो देख ही रहे हैं आप, क्योंकि यहां पे प्लस प्लस आए ए हमने पहले लगा दिया है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, ए प्लस प्लस करते हैं, इस तरह से लगाते हैं, लेकिन यहां पर पहले लगा दिया है तो ये हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे यहां पर मैंने टेन रखा हुआ है, अगर आप 20 तक प्रिंट कराना चाहें तो यहां 20 दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये कंपाइल करवाया हमने और फिर यहां से रन करवा दिया, तो अब देखिए ये 19 तक प्रिंट होगा, एक छोड़ करके प्रिंट होगा, तो ये देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 और ये 19 तक प्रिंट हो रहा है। देख रहे हैं 19 तक क्यों प्रिंट हो रहा है ये? क्योंकि यहां पे लेस देन 20 लगाया हुआ है, ए इज लेस देन 20, लेस देन 20 यानी कि 19 ही होता है ना, तो इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।